हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBO 1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड दिस टॉपिक हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट 11 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग। और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपका रीजनल ग्रुपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनल ग्रुपिंग्स क्या होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बताऊंगा कि कितने टाइप्स की आपकी रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं। तो दो पर्टिकुलर टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहला आपका होगा कि रीजनल ग्रुपिंग क्या होती हैं, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेटेड टू द वेरियस फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स अवेलेबल, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। एंड इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अदर टॉपिक्स पर जो वीडियोस अपलोडेड हैं वो भी देख सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर रीजनल ग्रुपिंग्स और रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। तो जिन लोगों को इसका आंसर आता है वही काम करें, एक लाइन में कमेंट बॉक्स में जाकर अपना आंसर लिख दीजिए सो दैट आई कैन चेक कि कितना आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप अपना एक लाइन में अपना आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। और जिन लोगों को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, जो ये पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो ये वीडियो एंड तक देख सकते हैं, उनको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका उसी से स्टार्ट करते हैं हम कि रीजनल ग्रुपिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 से इज रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स और रीजनल ग्रुपिंग्स और यू कैन से रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स रेफर टू अ ट्रीटी दैट इज साइंड बाय टू और मोर कंट्रीज टू एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ इट्स मेंबर्स। सो दोस्तों बात करें सबसे पहले पॉइंट की, रीजनल ग्रुपिंग्स बोलिए, ठीक है। रीजनल ग्रुपिंग को आपका एक और नाम से जाना जाता है, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। और इसके अलावा जो एक और नाम हम रेफर करते हैं जो कि RTAs बोला जाता है शॉर्ट में, विच इज़ रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि रीजनल ग्रुपिंग इज ऑल्सो नोन एज रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स इज ऑल्सो नोन एज रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये होता क्या है, तो बेसिकली रीजनल ग्रुपिंग आपका रेफर करता है उस ट्रीटी को जो कि दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में साइन की जाती है, और इसका पर्पज़ होता है अपना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट करना कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। जो भी आपके मेंबर्स होंगे जिनके साथ में ये ट्रीटी साइंड होगी, उन सभी कंट्रीज़ के बीच में क्या करना, अपने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्री मूवमेंट करना, ठीक है, अपने ट्रेड को इम्प्रूव करना विदाउट एनी बैरियर, ठीक है, एक दूसरे की कंट्री के साथ में क्या करना, अपना ट्रेड को बूस्ट करना, एनकरेज करना, यही एंटायर पर्पज़ होता है फॉर क्रिएटिंग रीजनल ग्रुपिंग्स और रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। Now point number 2 says the agreement comes with internal rules that member countries follow among themselves. So guys, दो या दो से ज़्यादा countries आपस में मिलकर treaty sign करेंगी तो कहीं ना कहीं dispute के chances रहेंगे, तो उसको resolve करने के लिए क्या है, आपके internal rules setup किए जाते हैं जो कि सभी member countries को क्या करने होते हैं, follow करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक partnership firm होती है उसी तरीके से क्या करते हैं, countries partnership firm कर लेती हैं और आपस में अपने rules decide कर लेती हैं जो कि सभी कंट्रीज को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सो गाइज, अब एक डायग्राम के थ्रू आपको रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के बारे में बता देता हूं। तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTAs, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट बताया था पिछले स्लाइड में, दीज आर ऑल्सो नोन एज रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स और इन सिंपल टर्म्स रीजनल ग्रुपिंग्स। तो क्या होती हैं, आर ट्रीटी साइंड बाय टू और मोर कंट्रीज टू एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो आप एरो के थ्रू देख सकते हैं, डायग्राम में आपका पूरा डेफिनेशन दे रखा है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स आर अ ट्रीटी साइंड बाय टू और मोर कंट्रीज to encourage free movements of goods and services across the borders of the members. So वो treaty जो कि दो या दो से ज़्यादा countries के बीच में sign की जाती है, जिससे कि आपका क्या हो सके, आपका जो goods and services का movement है वो encourage किया जा सके across the border of the member countries, वो कहलाती है आपकी regional trading arrangements या फिर regional economic groupings या फिर regional groupings, ठीक है। तो यहाँ पर basically क्या है, purpose है अपने trade को boost करना,
ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ विल प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्लाइड एंड विल डिस्कस फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। विल डिस्कस द पॉइंट वन ऑफ दिस स्लाइड। व्हेन डीलिंग विद नॉन मेंबर कंट्रीज देयर आर एक्सटर्नल रूल्स इन प्लेस दैट द मेंबर्स अडहेयर टू। सो गाइज, हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो हमारी रीजनल ग्रुपिंग्स होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ इंटरनल रूल्स होते हैं जो कि मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं। अब बात करेंगे उन कंट्रीज़ की जो कि आपके ग्रुपिंग के मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में डीलिंग करते टाइम पर आपका क्या होता है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं आपके एक्सटर्नल रूल्स सेटअप करती हैं जो कि आपके सभी मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं। तो इंटरनली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है, इंटरनल रूल्स बनाए जाते हैं। और नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ में जो आपके डीलिंग्स हैं या फिर डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं उनको डील करने के लिए मेंबर कंट्रीज़ क्या करती हैं, आपकी एक्सटर्नल रूल्स बनाती हैं और ये रूल्स भी आपके सभी मेंबर कंट्रीज़ को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। नॉन मेंबर कंट्रीज से डील करने के लिए आपके एक्सटर्नल रूल्स हैं और मेंबर कंट्रीज से डील करने के लिए इंटरनल रूल्स हैं, इतना याद रख लीजिए आप, ठीक है। अब बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, कोटास, टैरिफ्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट से इज रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हेल्प टू रिड्यूस और रिमूव द बैरियर्स ऑन ट्रेड। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं आपके कई कंट्रीज़ के थ्रू, चाहे वो कोटा के फॉर्म में हो, टैरिफ के फॉर्म में हो, टैक्सेस के फॉर्म में हो या फिर किसी और ट्रेड बैरियर्स के तौर पर हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स या फिर रीजनल ग्रुपिंग क्या करते हैं, आपके जो ये बैरियर्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं ट्रेड के एक्सपेंशन में, उनको रिमूव करती है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा फिनिश होता है फर्स्ट टॉपिक जो था आपका रीजनल ग्रुपिंग के बारे में, ठीक है। सो हमने जाना कि रीजनल ग्रुपिंग या रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट क्या होता है। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट दी वेरियस फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। तो आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि कितने टाइप्स के रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स होते हैं या कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के या रीजनल ग्रुपिंग्स के, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए उन सबको, आई विल चेक इट। एंड अगर आपको नहीं पता तो आई रिक्वेस्ट कि वीडियो आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग। सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि पांच तरह की आपकी रीजनल ग्रुपिंग्स होती हैं या फिर रीजनल आपके ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, दूसरा है आपका कस्टम्स यूनियन, तीसरा है आपका फ्री ट्रेड एरिया, चौथा है आपका कॉमन मार्केट ग्रुपिंग्स और पांचवा और आखिरी है आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी और यू कैन से इकोनॉमिक यूनियन, ओके। सो कितने तरह के रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स हैं आपके, फाइव टाइप्स, ठीक है। सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ रीजनल ग्रुपिंग और रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग और यू कैन से रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। पहला है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, दूसरा है कस्टम्स यूनियन, तीसरा है फ्री ट्रेड एरिया, चौथा है आपका कॉमन मार्केट ग्रुपिंग्स और पांचवा है आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी और इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। आई होप ये पांचों आपको याद हो चुके होंगे। तो आप पहले मेन मेन याद कर लीजिए, इनकी हेडिंग याद कर लीजिए, उसके बाद में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ सारे रीजनल ग्रुपिंग्स को, सो दैट यू कैन हैव अ ब्रॉडर आइडिया अबाउट, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सो विल डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स जो कि है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। आई रिपीट, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट अंडर विच द मेंबर कंट्रीज लोअर बैरियर्स टू इम्पोर्ट्स ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम वन अनदर। सो गाइस, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेंबर कंट्रीज आपके जो ट्रेड बैरियर्स हैं अपने मेंबर्स के लिए उनको कम कर देती है और ये सिलेक्टेड गुड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके लिए क्या है, आपका लो टैक्सेस या लो बैरियर्स लगाए जाते हैं बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। तो इस अरेंजमेंट को आपका बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। प्रेफरेंशियल मतलब कि
कुछ कंट्रीज होंगी जिनको आप प्रेफरेंस देंगे और कुछ आइटम्स होंगे जिनको आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। सो एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर मेंबर कंट्रीज क्या करती हैं, अपने ट्रेड बैरियर्स को कम कर देती हैं, ठीक है, सो दैट द अदर कंट्रीज और द मेंबर कंट्रीज कैन इम्पोर्ट द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट टू ईच अदर। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट और रीजनल ग्रुपिंग इज नोन एज प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, ठीक है। आई रिपीट, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होता है जिसमें मेंबर कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर्स को क्या करती हैं, आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट के इम्पोर्ट के लिए कम कर देती हैं, ठीक है। सो अपने आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, एक दूसरे कंट्री में ट्रेड करने के लिए, जब ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया जाता है तो उस अरेंजमेंट को जो आपका मेंबर कंट्रीज़ के बीच में की जाते हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर टू सेज द प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट रिक्वायर्स द लोएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स दो मेंबर कंट्रीज डू नॉट एलिमिनेट द बैरियर्स अमंग देमसेल्व्स। सो बात करें दोस्तों प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट क्या होता है, बेसिकली आपका मतलब थोड़ा बहुत कमिटमेंट होता है अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, बट जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपका जो ट्रेड बैरियर्स है उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं करती, ठीक है। सो थोड़ा बहुत लेवल कम किया जाता है अपने बैरियर्स का सो दैट द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट कैन बी ट्रेडेड विद ईच अदर, बट कम्प्लीटली आपका जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट में एलिमिनेट नहीं किए जाते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो मेंबर कंट्रीज डू नॉट एलिमिनेट द बैरियर्स अमंग देमसेल्फ्स कंप्लीटली, दे आर जस्ट डूइंग अ लो लेवल ऑफ कमिटमेंट विद ईच अदर टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, द प्रेफरेंशियल ट्रेड एरियाज डू नॉट शेयर कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर्स। अब यहाँ तक तो बात करी हमने कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे फॉर द मेंबर कंट्रीज, तो यहाँ पर मेंबर कंट्रीज के लिए ट्रेड बैरियर्स थोड़े से कम कर दिए जाते हैं, बट जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं या फिर आपके नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके लिए अपना जो कंट्रीज रूल फॉलो कर रही होती हैं वही चलाती हैं, एक दूसरी कंट्री के आपके ट्रेड में वो कोई इंटरफेयर नहीं करती, उनके रिगार्डिंग कोई रूल्स बनाए नहीं जाते प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। सो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट में जो रूल्स आपके बनाए जाते हैं वो बेसिकली मेंबर कंट्रीज के लिए होते हैं, और जिसमें क्या होता है ट्रेड बैरियर्स को आपके कुछ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स के लिए क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। सो आगे मैंने एक डायग्राम बनाया है आपको जिससे कि प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स आपको अच्छे से याद हो जाए, सो लेट्स प्रोसीड टू ऑन दैट डायग्राम। सो डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट इन विच द मेंबर कंट्रीज लोअर्स बैरियर टू इम्पोर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। सो डायग्राम में भी आपकी वही लैंग्वेज यूज़ करी है बट आपको देखने में ईजी लगेगा, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है मेंबर कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर्स को क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं सो दैट आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रेडेड विद ईच अदर। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट और दैट इकोनॉमिक ग्रुपिंग और दैट रीजनल ग्रुपिंग इज नोन एज प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख सके। सो लेट्स प्रोसीड टू आर एग्जाम्पल। सो बात करें प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के एग्जाम्पल की, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं द बैंकॉक अरेंजमेंट, ठीक है। सो द बैंकॉक अरेंजमेंट इज वन ऑफ द लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, और ये जो अरेंजमेंट आपका साइन किया गया था वो किया गया था बेसिकली पांच कंट्रीज के बीच में, और वो कौन कौन सी कंट्रीज थी, पहली थी आपकी बांग्लादेश, दूसरी थी इंडिया, तीसरी थी लाओस, चौथी थी साउथ कोरिया और पांचवी थी श्रीलंका, ठीक है। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल क्या है, द बैंकॉक अरेंजमेंट, किन किन कंट्रीज के बीच में ये साइन हुआ था आपका, ये पांच कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था जो कि थी आपकी बांग्लादेश, इंडिया, लाओस, साउथ कोरिया, श्रीलंका। आई रिपीट, बांग्लादेश, इंडिया, लाओस, साउथ कोरिया एंड श्रीलंका, ठीक है। नाम क्या है आपके प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के एग्जाम्पल का, द बैंकॉक अरेंजमेंट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहे, नहीं तो आप अगर एक नोटबुक बना रहे हैं अपनी तो उसमें लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है और इसमें डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रीजनल ग्रुपिंग जो कि है आपकी फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया सेकेंड रीजनल ग्रुपिंग। सो पॉइंट नंबर वन सेज फ्री ट्रेड एरिया रेफर्स टू अ रीजनल ग्रुपिंग वेयर कंट्रीज एग्री टू अबॉलिश ऑल इंटरनल बैरियर्स टू ट्रेड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है।
सो एक ऐसा रीजनल ग्रुपिंग जहां पर कंट्रीज आपस में मिलकर क्या करती हैं, जितने भी इंटरनल बैरियर्स होते हैं एक दूसरे के ट्रेड में, उन सबको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, फ्री फ्लो किया जा सके आपके गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे वो सारे के सारे बैरियर्स एक दूसरे के लिए फिनिश कर देंगे, तो ऐसी इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग आपकी कहलाएगी फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। जैसा कि नाम है, ऐसा एरिया जहाँ पर फ्रीली ट्रेड किया जा सके वो कहलाएगी आपकी फ्री ट्रेड एरिया। सो आई रिपीट दस, फ्री ट्रेड एरिया रेफर्स टू अ रीजनल ग्रुपिंग वेयर कंट्रीज एग्री टू अबॉलिश ऑल द इंटरनल बैरियर्स टू ट्रेड अमंग ईच अदर। ओके, नाउ पॉइंट नंबर टू सेज कंट्रीज दैट बिलोंग टू अ फ्री ट्रेड एरिया कैन मेंटेन इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज विद थर्ड कंट्रीज और नॉन मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज के लिए तो आपका फिक्स्ड है कि उनको किसी भी तरह के बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ेंगे फॉर ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट बात करें अगर नॉन मेंबर कंट्रीज की, तो फ्री ट्रेड एरिया जो हमारा रीजनल ग्रुपिंग है इसमें आपका जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वो अपने इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज फॉलो करेंगी, कोई भी तरह का एक्सटर्नल पॉलिसीज आपका फ्रेम नहीं किया जाएगा मेंबर कंट्रीज के लिए। तो जो आपकी मेंबर कंट्रीज होंगी वो अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसीज फॉलो कर सकती हैं नॉन मेंबर कंट्रीज और थर्ड कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके नॉन मेंबर कंट्रीज हैं फ्री ट्रेड एरिया रीजनल ग्रुपिंग में आपका क्या होगा, जो मेंबर कंट्रीज होंगी वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी मेंटेन कर सकते। पॉइंट नंबर थ्री सेज इन दिस रीजनल ग्रुपिंग अ सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन इज यूज्ड टू अवॉइड ट्रेड डाइवर्जन इन फेवर ऑफ लो टैरिफ मेंबर्स। सो गाइज, बात करें फ्री ट्रेड एरिया में तो कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पर आपके जो टैरिफ्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन द मेंबर कंट्रीज वो कम होते हैं, तो इसलिए इस आपके रीजनल ग्रुपिंग में क्या होता है, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है जो कि है आपका सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जिससे पता चल जाता है आपका कि कहाँ से उस गुड्स का या सर्विस का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो इससे जो ट्रेड डाइवर्जन होता है यानी कि ट्रेड का मूवमेंट होता है आपकी लो टैरिफ मेंबर्स के कंट्रीज में, वो आपका अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। सो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारी कंट्री जो इंडिया है वो क्या करना चाहेगी, आपका एक प्रोडक्ट है ए, उसको क्या करना चाहेगी, इंपोर्ट करना चाहेगी टू कंट्री बी, ठीक है। या मान लीजिए आपका कि वो चाइना को आपका एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहेगी, लेकिन चाइना जो है वो क्या करेगी, बेसिकली आपका उस पर्टिकुलर गुड्स को जो कि 100 रुपये की कॉस्ट करती है उस पर आपका 20% टैक्स लगाती है। वहीं पर आपकी दूसरी कंट्री है आपकी जापान, जो कि आपका 5% टैरिफ लगाकर क्या करेगी, उस गुड्स को एक्सपोर्ट कराती है, और डिमांड दोनों के लिए सेम है। दोनों कंट्रीज़ की अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में डिमांड सेम है और आपका जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो सेम रेट पर की जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है जापान इंडिया के लिए एक अट्रैक्टिव कंट्री होगी, तो ऐसी कंट्री आपकी कहलाती हैं लो टैरिफ कंट्री, यानी कि उन कंट्रीज़ में आपका टैरिफ क्या होता है, कम लगाया जाता है। तो जो सिस्टम है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो प्रोवाइड किया जाता है, इससे पता चल जाता है कि गुड्स कहाँ जनरेट हुई और कहाँ पर आपका बेची जा रही है। तो इससे क्या होता है, जो आपका ट्रेड डाइवर्जन है लो टैरिफ कंट्रीज़ को, वो अवॉइड किया जा सकता है। नाउ गाइस, अब बात करेंगे हम फ्री ट्रेड एरिया रीजनल ग्रुपिंग के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। सो आई हैव चोजन टू एग्जांपल्स। सो सबसे पहला एग्जांपल है फ्री ट्रेड एरिया का, विच इज़ EFTA, ठीक है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका फ्री ट्रेड एरिया रीजनल ग्रुपिंग का यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EFTA। तो ये बेसिकली आपका रीजनल ग्रुपिंग है बिटवीन कंट्रीज नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड लाइचटेंस्टाइन। ओके, आई रिपीट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन आपका क्या है, रीजनल ग्रुपिंग है बिटवीन द कंट्रीज नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड एंड लाइचटेंस्टाइन। ओके, नाउ बात करेंगे सेकेंड फ्री ट्रेड एरिया के एग्जाम्पल की, जो कि है नाफ्टा, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं नाफ्टा, एंड द फुल फॉर्म इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि आपका एक रीजनल ग्रुपिंग है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कैनेडा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा क्या है आपका, एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड कैनेडा, ठीक है। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको याद हो चुके होंगे। सो लेट्स प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्लाइड।
सो अब इस स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे दो और एग्जांपल्स फॉर दी फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है स्लाइड में साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और ये रीजनल ग्रुपिंग है बिटवीन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो जो हमारा साफ्टा रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट है या फिर रीजनल ग्रुपिंग है, बेसिकली आपका ये ग्रुपिंग है बिटवीन द कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। साफ्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फ्री ट्रेड एरिया का, वो है पैसिफिक अलायंस, ठीक है। पैसिफिक अलायंस जो कि एक रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट है बिटवीन चिली, कोलंबिया, मैक्सिको एंड पेरू, ठीक है। सो पैसिफिक अलायंस क्या है? एक रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट बिटवीन द कंट्रीज चिली, कोलंबिया, मैक्सिको एंड पेरू, ठीक है। सो यहां पर हमारे चार एग्जाम्पल्स डिस्कस हो गए फ्री ट्रेड एरिया के। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, अब बात करेंगे अपने थर्ड रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट के बारे में जो कि है कस्टम्स यूनियन, ठीक है। कस्टम्स यूनियन अब क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। सो पॉइंट नंबर वन से इज कस्टम्स यूनियन रेफर्स टू अ रीजनल ग्रुपिंग वेयर कंट्रीज हैव एग्रीड टू अबॉलिश ऑल ट्रेड बैरियर्स अमंग देमसेल्व्स एंड दे फॉलो अ कॉमन पॉलिसी रिगार्डिंग देयर ट्रेड विद नॉन मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो कस्टम्स यूनियन में क्या होता है। बेसिकली आपका ये एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग होती है जहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो आपस में जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं एक दूसरे कंट्री के बीच में उनको कम्प्लीटली अबॉलिश करती हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं होता बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़। और जो आपकी नॉन मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग आपका क्या होता है, कॉमन पॉलिसी सारी मेंबर कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, ठीक है। आई रिपीट, कस्टम्स यूनियन क्या होता है, एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग जहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच में किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स को अबॉलिश कर देती हैं, आपका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं एक दूसरे के जो बीच में ट्रेड बैरियर्स होते हैं, सो दैट देयर कैन बी अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके अलावा जो नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं कस्टम्स यूनियन के केस में, उसमें जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं कॉमन पॉलिसी फॉलो करती हैं। मान लीजिए एक कंट्री ने फॉलो किया कि वो आपके नॉन मेंबर कंट्री, कोई भी मेंबर आपकी नॉन मेंबर कंट्री है उससे वो आपका बिजनेस नहीं करना चाहेंगी, तो जितनी भी आपकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी सेम पॉलिसी फॉलो करेंगी, वो भी उस कंट्री बी से बिजनेस नहीं करेंगी, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर गुड्स नहीं मंगाएंगी। जो भी उनकी कॉमन पॉलिसी सेटअप होगी उसी को सभी के सभी मेंबर कंट्रीज़ फॉलो करेंगी। Now we'll talk about point number two. Point number two says customs union is an extension of the free trade area where along with the elimination of internal barriers to trade, the member countries agree to establish common external barriers. So अगर हम बात करें तो customs union क्या है, basically extension है हमारे free trade area regional grouping का। जैसा कि आपने प्रीवियस रीजनल ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था, फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, बेसिकली जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो इंटरनल बैरियर्स को एलिमिनेट कर देती हैं, अबॉलिश कर देती हैं, ठीक है। लेकिन कस्टम्स यूनियन एक स्टेप आगे जाकर क्या करता है, एक्सटर्नल मेंबर्स या फिर नॉन मेंबर जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक्सटर्नल बैरियर्स भी सेटअप करते हैं, ठीक है। कॉमन पॉलिसी के थ्रू आपके एक्सटर्नल बैरियर सेट किए जाते हैं फॉर द नॉन मेंबर कंट्रीज इन कस्टम्स यूनियन, ठीक है। सो कस्टम्स यूनियन क्या है, बेसिकली एक एक्सटेंशन है फ्री ट्रेड एरिया का, जिसमें आपका क्या है, इंटरनल बैरियर्स का अबॉलिशन किया जाता है और साथ ही साथ कॉमन एक्सटर्नल बैरियर सेटअप किए जाते हैं नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए। तो अब एक डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजनल ग्रुपिंग। सो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कस्टम्स यूनियन क्या है, एक रीजनल ग्रुपिंग वेयर कंट्रीज हैव नो ट्रेड बैरियर्स फॉर मेंबर कंट्रीज एंड हैव कॉमन पॉलिसी फॉर द नॉन मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग जहां पर क्या होता है, कंट्रीज जो हैं मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके बीच में किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर्स नहीं होता, ठीक है। सो मेंबर कंट्रीज हैव नो ट्रेड बैरियर्स एंड इन केस ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज दे फॉलो अ कॉमन पॉलिसी, ठीक है। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कॉमन पॉलिसी फॉलो करती हैं फॉर द नॉन मेंबर कंट्रीज, और मेंबर कंट्रीज क्या करती हैं, किसी भी तरह का ट्रेड बैरियर अराइज नहीं होने देती, सारे के सारे ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करती हैं। तो ऐसी रीजनल ग्रुपिंग या फिर ऐसा रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट कहलाता है आपका कस्टम्स यूनियन। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, सो दैट आगे फिर आप रिवीजन करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक नोटबुक बनाकर ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन द एग्जाम टाइम, ओके। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कस्टम्स यूनियन के।
सो एग्जाम्पल्स की स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है. नाउ विल डिस्कस सिक्स एग्जाम्पल्स ऑफ कस्टम्स यूनियन. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, CACM. ठीक है, क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर वन? सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, CACM, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट. दूसरा एग्जाम्पल है हमारा SACU, विच इज़ सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन. ठीक है, सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, SACU, सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन. नेक्स्ट वन इज EAC, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी. ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी. नंबर फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ कस्टम्स यूनियन इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल इज यूरेशियन कस्टम्स यूनियन, EACU. ठीक है, यूरेशियन कस्टम्स यूनियन, EACU. ठीक है, EACU, यूरेशियन कस्टम्स यूनियन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल फॉर कस्टम्स यूनियन रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट इज यूरोपियन यूनियन कस्टम्स यूनियन, EUCU, यूरोपियन यूनियन कस्टम्स यूनियन. ठीक है, यूरोपियन यूनियन कस्टम्स यूनियन. ठीक है, तो ये EUCU हमारा सिक्स एग्जाम्पल था. तो आई होप एग्जाम्पल्स आपको याद हो चुके होंगे. तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट पर, जो कि है कॉमन मार्केट. ठीक है, सो कॉमन मार्केट कौन सा रीजनल ग्रुपिंग या अरेंजमेंट होता है? लेट यू नो. सो कॉमन मार्केट रेफर्स टू अ रीजनल ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज विच एलिमिनेट्स ऑल बैरियर्स टू मूवमेंट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. तो अभी तक जितने भी हमने रीजनल ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ा था, उनमें आपका क्या है, जो भी ट्रेड बैरियर्स होते हैं रिलेटेड टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो एलिमिनेट किए जाते हैं. लेकिन कॉमन मार्केट में आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन सब पर लगने वाले बैरियर्स को एलिमिनेट किया जाता है. तो एक ऐसा रीजनल ग्रुपिंग या ऐसा रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग या फिर एक ऐसा रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट जिसमें क्या करती हैं मेंबर कंट्रीज़ आपस में क्या करती हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन पर लगने वाले सभी बैरियर्स को एलिमिनेट कर देती हैं, ऐसा आपका रीजनल ग्रुपिंग कहलाता है कॉमन मार्केट. ठीक है, सो कॉमन मार्केट क्या है? एक ऐसा रीजनल ग्रुपिंग जो कि एलिमिनेट करता है सभी बैरियर्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. Now point number two says a common market goes beyond the removal of internal barriers to trade and establishes common external barriers to eliminate the barriers related to the flow of factors such as labor, capital within the market. So common market की अगर हम best feature की बात करें तो उसमें क्या होते हैं आपके establish किए जाते हैं common external barriers. बाकी जितने भी regional groupings थे उसमें क्या थे, internal barriers को remove किया जाता है. लेकिन common market में आपके internal barriers को remove करने के साथ साथ आपके common external barriers भी establish किए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, जो barriers आपके होते हैं जो hamper करते हैं फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल विद इन द मार्केट, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं. तो इसमें आपका ईजी फ्लो होता है गुड्स का, सर्विसेज का, लेबर का एंड कैपिटल का, जो कि बहुत बहुत यूजफुल होते हैं किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज अ कॉमन मार्केट सीक्स टू कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी विद इन द मार्केट टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सो कॉमन मार्केट जो हमारा रीजनल ग्रुपिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है. और इसमें क्या होता है, बेसिकली फ्री फ्लो होता है कैपिटल का और लेबर का बिटवीन वन एंड द अदर कंट्री. ठीक है, सो इन शॉर्ट यू कैन से अ कॉमन मार्केट क्रिएट्स एन ओपन मार्केट नॉट ओनली फॉर गुड्स बट ऑल्सो फॉर सर्विसेज एंड कैपिटल. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको याद होना चाहिए कि कॉमन मार्केट रीजनल ग्रुपिंग में क्या होता है, बेसिकली एक ओपन मार्केट क्रिएट होता है जिसमें सिर्फ आपकी गुड्स ही नहीं बल्कि आपकी सर्विसेज, कैपिटल, लेबर सभी चीज़ें क्या करती हैं, आपकी ओपनली ट्रेडेड की जा सकती हैं या फिर उनका फ्लो किया जा सकता है. ठीक है, तो पॉइंट याद रखिएगा, कॉमन मार्केट क्या करता है, इट क्रिएट्स एन ओपन मार्केट फॉर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर. ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे. सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो स्लाइड में अब डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल्स ऑफ कॉमन मार्केट. ठीक है, तो कॉमन मार्केट के बारे में हमने जान लिया, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. तो आई हैव गिवन फोर एग्जांपल्स हियर. तो सबसे पहला एग्जांपल है आपका कैरीकॉम. ठीक है, जो कि है आपका कैरिबियन कॉमन मार्केट. ठीक है, कैरीकॉम, कैरिबियन कॉमन मार्केट. दूसरा है आपका ECOWAS. ठीक है, ECOWAS, विच स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स. ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ECOWAS, ECOWAS.
नेक्स्ट इज EACM विच इज़ ईस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट, ठीक है, EACM ईस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट। एंड द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मार्केट इज WACM विच इज़ वेस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट, वेस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट। कैरीकॉम कैरिबियन कॉमन मार्केट, इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, EACM ईस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट एंड WACM वेस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट। नाउ गाइस डिस्कस करेंगे अपना पांचवा और आखिरी रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, ठीक है, जो कि है इकोनॉमिक कम्युनिटी और इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका बेसिकली यूरोपियन यूनियन आता है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी और इकोनॉमिक यूनियन रेफर्स टू अ रीजनल ग्रुपिंग वेयर मेंबर कंट्रीज फॉलो कॉमन पॉलिसीज रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैटर्स। सो गाइज अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कम्युनिटी आपकी वो रीजनल ग्रुपिंग होती है जहाँ पर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो कॉमन पॉलिसी फॉलो करती हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैटर्स। तो जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड आपके मैटर्स होते हैं फॉर द मेंबर कंट्रीज, उनके लिए कॉमन पॉलिसी इस्टेब्लिश की जाती है। तो ऐसे रीजनल ग्रुपिंग को आपका कहते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी और इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी और इकोनॉमिक यूनियन क्या होती है? एक ऐसा रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट या फिर एक ऐसी रीजनल ग्रुपिंग जहां पर मेंबर कंट्रीज आपकी एक कॉमन पॉलिसी फ्रेम करती हैं और फॉलो करती हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैटर्स, ओके। नाउ इन दिस टाइप ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स कंट्रीज एंटर इनटू एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट टू रिमूव बैरियर्स टू ट्रेड एंड अडॉप्ट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी या इकोनॉमिक यूनियन रीजनल ग्रुपिंग में आपका क्या होता है? बेसिकली जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो जितने भी आपके इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं उनमें एंटर करती हैं, उनको साइन करती हैं, ठीक है, और जो भी आपके बैरियर्स हैं जो कि आपके इकोनॉमिक इकोनॉमी को ग्रो करने में आपके हर्डल्स क्रिएट के तौर पर देखे जाते हैं उनको एलिमिनेट करती हैं और उन पर उनको एलिमिनेट करने के लिए कॉमन पॉलिसीज इस्टेब्लिश करती हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी इन्वॉल्व्स फर्स्ट द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड सेंट्रल बैंक, ठीक है। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या होता है? एक सेंट्रल बैंक का क्रिएशन किया जाता है सो दैट इट कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। उसके बाद आपका क्या किया जाता है? देयर इज अ यूज ऑफ सिंगल करेंसी, सिंगल करेंसी का यूज़ किया जाता है। देन वी डू हैव कॉमन पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर, वी डू हैव सोशल सर्विसेज एंड वेलफेयर स्कीम्स, वी डू हैव रीजनल डेवलपमेंट स्कीम्स, वी डू हैव ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्सेशन पॉलिसीज, वी डू हैव कॉम्पिटिशंस एंड मर्जर्स रिलेटेड पॉलिसीज, एंड वी डू हैव कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग पॉलिसीज एंड सो ऑन। सो देर आर मेनी थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी में आपको याद रखना है 8 points जो कि इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड सेंट्रल बैंक, then use of a single currency, then we do have common policies on agriculture, then after we have social services and welfare. Also economic community includes regional development, economic community also include transport and taxation policies. After that if we talk about, we do have competition and mergers policies involved in economic community, and apart from that infrastructure, which is pretty much important to boost the economy, so construction and building related policies bhi hoti hain, theek hai। और देर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बट अभी आप 8 points याद रखिए जो कि आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। सो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज गो अहेड एंड टेक इट सो दैट यू कैन लर्न इट लेटर ऑन, एंड लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को। तो नाउ बात करेंगे अपने एग्जाम्पल की इकोनॉमिक कम्युनिटी के। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EU, ठीक है। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी रीजनल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल क्या है? यूरोपियन यूनियन, जो कि आपका क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड बिगेस्ट इंपोर्टिंग मार्केट, ठीक है। सो यूरोपियन यूनियन क्या है? हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कम्युनिटी है, ठीक है, और सबसे बड़ा इंपोर्टिंग मार्केट है। अब क्या करता है इम्पोर्ट? ये बेसिकली आपका गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है टू मोर देन 100 countries, और जो कॉमन करेंसी यूज़ की जाती है यूरोपियन यूनियन में वो है आपकी यूरो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कॉमन करेंसी कौन सी यूज़ की जाती है? यूरो। क्या है यूरोपियन यूनियन? बेसिकली आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कम्युनिटी है और बिगेस्ट इंपोर्टिंग मार्केट है। क्या क्या इंपोर्ट करता है? गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता है कितनी कंट्रीज़ को? मोर देन 100 countries को, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, अब आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि रीजनल ग्रुपिंग्स क्या होते हैं।
और किन नामों से आपका रीजनल ग्रुपिंग्स को जाना जाता है, कितने टाइप्स के रीजनल ग्रुपिंग्स होते हैं, उनका क्या डिफरेंस होता है, क्या मीनिंग होता है और किस तरीके से आप उनको डिफाइन करेंगे, क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो सभी कुछ हमने डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा था आई नो, लेकिन इट्स प्रीटी मच इंपॉर्टेंट दैट यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट थॉरली सो दैट यू कैन राइट योर आंसर्स प्रॉपरली इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों आपका सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें पता चल जाए कि आपका एक चैनल अवेलेबल है जो कि उनकी हेल्प के लिए है। थैंक यू सो मच एंड माई एंटायर फोकस इज टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग गुड मार्क्स। सो प्लीज़ आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।